हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं की विषय केमिस्ट्री को, और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। आज हमारा ये नया वीडियो है जो और पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है, जो कि हमारा 12वां अध्याय है और कक्षा 11वीं का है। तो इस वीडियो में बच्चों आज हम जो है नई चीज़ें पढ़ेंगे कार्बनिक केमिस्ट्री, इसमें हम IUPAC नाम सीखेंगे इसी अध्याय में। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम यौगिकों का अध्ययन करेंगे, समवयवता पढ़ेंगे, ठीक है, उससे परिचय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। और बच्चों आपको चैनल शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथियों को, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो हमारा बच्चों ये चैनल जो है वो है श्री कोचिंग क्लासेस। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। जैसा कि अध्याय का नाम है कार्बनिक रसायन और मूलभूत तकनीक, तो कार्बनिक रसायन जैसा कि अध्याय का नाम है इसी से इसका एक प्रश्न उठाया है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो बच्चों उसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि कार्बन और रसायन मतलब वह रसायन जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है और कार्बन का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है, या उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है। तो ये आपका पार्ट के वजह से ये परिभाषा हम यहाँ पर लिखवाए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो है सजातीय श्रेणी, या इसी को बोलते हैं समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखिए। सजातीय श्रेणी बच्चों आपने 10वीं में भी पढ़ी होगी, उम्मीद है आपको पहले भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। यहाँ पे हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि सजातीय मतलब एक ही जाति की, समान, और जाति मतलब समान जाति की। जब वह श्रेणी जिसमें समान जाति के युवकों को एक क्रम से रखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सदस्य समान क्रियात्मक समूह से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समान, जिसके जो सदस्य रहते हैं समान क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, और जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुओं में, अब क्रमागत बच्चों क्रम से, जैसे मान लीजिए ये पहला और ये दूसरा एग्जांपल हम इसको देखें तो इनमें मात्र CH2 का अंतर है। किसका अंतर है, मात्र एक CH2 का अंतर है। देखिए इसमें CH3OH है, इसमें ये CH3 है और ये OH है, तो अंतर किसका है, सिर्फ ये CH2 का। ऐसे अगर हम क्रम से इन दोनों को देखें तो इन दोनों को देखेंगे तो बच्चों इसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ एक CH2 का अंतर है, वहाँ के CH3CH2 और OH आपका ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी, सिर्फ एक CH2 एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है। तो यही यहाँ पर इसका मतलब है कि जिसके दो क्रमागत जरूर लिखना है, क्योंकि क्रम से ही आपको ये समझ में आएगा। अगर आप एक छोड़ कर वो लिखेंगे तो फिर CH2 का अंतर नहीं माना जाएगा और ना उसमें रहेगा। तो क्रमागत सदस्यों के अणुओं में CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ पर उदाहरण लें तो एल्कोहल श्रेणी के प्रथम चार सदस्यों के नाम व सूत्र निम्न है। तो एल्कोहल श्रेणी यहाँ पर हमने ली है, सभी एल्कोहल श्रेणी के हैं, मतलब एक ही श्रेणी के हैं, एक ही जाति के हैं, इसलिए उसको हम समजातीय बोल रहे हैं। अब बाकी इसमें अंतर क्या है, तो एक CH2 हर बार बढ़ता जाएगा। ये सबसे सरल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, दूसरा एथिल एल्कोहल, तीसरा प्रोपिल एल्कोहल, चौथा ब्यूटिल एल्कोहल। कार्बन की संख्या के आधार पर यहाँ पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल लगता जाएगा, और एल्कोहल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी में OH समूह जुड़ा है। इस OH समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, और IUPAC नाम में इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सदस्य समान क्रियात्मक समूह से जुड़े हों,
समान क्रियात्मक समूह ये हो गया आपका OH, इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और जो इसके दो क्रमांक सदस्यों के अणुओं में CH2 का अंतर हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक CH2 एक्स्ट्रा बढ़ गया, यहाँ पर एक CH2 एक्स्ट्रा बढ़ गया, यहाँ पर भी एक CH2 एक्स्ट्रा बढ़ गया। किससे एक्स्ट्रा बढ़ गया? जो पहले वाला जो सूत्र है इससे एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है एक, और इस प्रकार CH2 का अंतर बनता जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न का जो आधा भाग था कि सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता है। तो विशेषता बच्चों यहाँ पर हमने अभी बताया आपको, इसमें जो सामान्य अंतर, एक तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि CH2 का अंतर होता है। तो देखिए आप दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में, जो क्रमागत जो सूत्र होते हैं अणु सूत्र, उनमें CH2 का अंतर होता है। पहली विशेषता, पहली यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर एक ही जाति का है तो उसको एक सामान्य सूत्र से हम दर्शा सकते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH। ठीक है, ये OH इसी में जुड़ा हुआ, तो ये बंद आपको दिख रहा होगा, ये माइनस नहीं, ये बंद है। ठीक है, तो CnH2n+1OH ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अगर आप एल्डिहाइड श्रेणी का लेंगे तो CHOH की जगह पे CHO आ जाएगा। यदि आप क्रियात्मक समूह और कुछ लेंगे CWH तो लेंगे तो यहाँ पर CWH जोड़ देंगे। इस प्रकार किसी भी श्रेणी का आप यहाँ पर बना सकते हैं इस सूत्र से। तीसरी विशेषता है कि श्रेणी के सदस्यों को कुछ सामान्य अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब कोई सामान्य जो विधियाँ होती हैं उनके द्वारा हम बना सकते हैं। और एक सदस्य को बना सकते हैं तो उसी से हम दूसरे सदस्य को भी बना सकते हैं, क्योंकि उसी श्रेणी का है। ठीक है, चौथा जो गुण है, सदस्यों के रासायनिक गुण अधिकांशता समान होते हैं। बच्चों देखिए, एक ही जाति के हैं एल्कोहल है जैसे, तो उसी की जाति के हैं तो उनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि वो एल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद जो सदस्यों के भौतिक गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब जो भौतिक गुण होते हैं इनमें भी क्या होता है, क्रम से परिवर्तन इनमें होता है। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो कि है समवायवता का, कि समवायवता किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो समावयवता हम सबसे पहले समझेंगे कि समावयवता मतलब समावयवी। अब समावयवी का विच्छेद अगर हम करें तो समान अवयवी, मतलब जो समान अवयवी कणों से मिलकर बना हो, मतलब जिसका अणु सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान हो। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमारा एक सूत्र है C2H6O, ये अणु सूत्र हो गया एक। इससे हम दो प्रकार के सूत्र बना सकते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बना दिया आपका CH3CH2OH। आप इसको देखेंगे, इनमें से हाइड्रोजन और पूरे कार्बन को जोड़ेंगे, पूरे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये C2H6O बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम CH3 को देखें तो इसमें भी आपके पूरे हाइड्रोजन हैं, छह दो कार्बन हैं और एक ऑक्सीजन है, तो इसका भी सूत्र यही बन जाएगा। तो मतलब इनके जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन उनका जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है, समावयवी कहलाता है। ये क्या है, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। जो डाईमेथिल ईथर का सूत्र है और जो आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र है, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। और इस प्रकार की जो घटना होती है इसे हम क्या कहेंगे, समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा को, कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र, अभी हमने देखा कि दो से अधिक यौगिक थे, है ना, एक ही अणु सूत्र था लेकिन यौगिक कितने बने थे, दो बने थे अपने। तो अणु सूत्र जब समान होते हैं किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते, भिन्न। एक डाईमेथिल ईथर बना था तो उसके गुण अलग होते हैं, और एक हमारा बना था एल्कोहल, उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग होते हैं। तब ऐसे युग्मकों को हम समावयवी कहते हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हमने अभी आपको बताया कि एथिल अल्कोहल एवं डाईमेथिल ईथर, एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र हमने बताया अभी आपको कि C2H5OH होता है, और जो डाईमेथिल ईथर है उसका सूत्र क्या होता है, CH3OCH3 होता है। ये कैसे हैं, एक दूसरे के का अणु सूत्र तो समान है और यह एक दूसरे के समावयवी हैं। अब अणु सूत्र अगर आपको लिखना हो तो अणु सूत्र के बगल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, C2H6O, ये इनका अणु सूत्र है। तो आप इनको देखेंगे तो इनका अणु सूत्र जो है समान है और ये एक दूसरे के समावयवी हुए, और इस घटना को हम क्या कहेंगे, जो है समावयवता कहेंगे। अब यहाँ पर बच्चों समावयवता भी कई प्रकार की होती है, जिसका वर्गीकरण यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, तो समावयवता का वर्गीकरण ये आपको एक बार लिखना है। फिर समावयवता को निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, पहली है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है
त्रिविमीय समवयवता जो हम नीचे देखेंगे। अब जो संरचनात्मक समवयवता है उसको भी फिर से बांटा गया है। तो ये जो समवयवता है वो बच्चों यहाँ पर पांच प्रकार की होती है, मुख्य रूप से छह प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, छह प्रकार में भी आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। तो पहली है स्थान या स्थिति समवयवता जो सबसे इम्पोर्टेंट है, श्रृंखला समवयवता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी है क्रियात्मक समवयवता। इसके अलावा हम इनको भी पढ़ते हैं, बल श्रृंखला समवयवता, मध्यवयवता और चलावयवता। इनमें से जो तीन हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो इस संरचनात्मक समवयवता में ये छः आ जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरी समवयवता, त्रिविमीय समवयवता। तो त्रिविमीय समवयवता दो प्रकार की होती है, एक होती है विन्यासी समवयवता और एक होती है समरूपीय समवयवता। तो बच्चों ये थी समवयवता और उसकी परिभाषा और सजातीय श्रेणी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंच पर। धन्यवाद।